It's the season of layoffs, and we're not just talking about Twitter, which is dealing with a storm that has hit its management. After Twitter mass layoffs announced at Facebook, 11,000 people will be losing their jobs, many layoffs expected in India. According to the Crunchbase layoff tracker, there have been over 52,000 layoffs this year. As per Crunchbase, about 45,000 employees have been fired in Silicon Valley in the top tech companies. टेक इंडस्ट्री जो कि एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री है, उसमें ये कैसा जलजला आ गया? क्यों इतने सारे ले ऑफ होने लग गए, जबकि 6 या 9 महीने पहले इतनी ज़्यादा हायरिंग हो रही थी ना कि आप सोच नहीं सकते थे। और आज देखो तो इवन बिग टेक से लेकर स्टार्टअप्स तक ले ऑफ्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई ऑपरेशन टीम हो, चाहे वो मार्केटिंग टीम हो, चाहे रिक्रूटर्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, सबके सबको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। बट ऐसा क्या हो गया, फायरिंग होने लग गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, फैंग कंपनीज तक फायर करने लग गई, हायरिंग फ्रीज हो गई है, हायरिंग स्लो डाउन हो गई है, और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी है। अगर मैं एक नंबर बताऊं तो 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज को फायर करा गया है सिर्फ इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आपने रिसेंटली 50% वर्क फोर्स इलॉन मस्क, जो कि अब ओनर हैं ट्विटर के, उन्होंने फायर कर दिया गया, जिसमें से 230 एम्प्लॉयज इंडिया में थे, 180 को फायर कर दिया गया, जो कि बहुत दर्दनाक न्यूज़ है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, ऐसा क्या हो गया, और 2023 में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हायरिंग चालू होगी या ले ऑफ का जो सिलसिला है चालू रहेगा, किन किन कंपनीज अभी भी हायर कर रही हैं वो भी हम बता रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, और आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या करना है 2023 में ताकि आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकें। तो बने रहे वीडियो में एंड तक, मिस मत करना। आपको कोई टाइम इंटरवल पर जाना है, टाइम स्टैम्प पर जाना है, तो नीचे जाओ, टाइम स्टैम्प देखो और उस पर डायरेक्टली जंप कर जाओ। चलो इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक टारगेट 1500 लाइक्स का, लाइक ठोको, चलो आगे। आपने रिसेंटली यार लिंक्डइन पे जब भी खोलते हो, कोई ना कोई कंपनी आपको दिख रही है, यार इसने इतने ले ऑफ कर दिए, 14% स्ट्राइप ने ले ऑफ कर दिए, बायजूस ने हज़ारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो 2022 में हायर हुए थे उनके ऑफर कैंसिल कर दिए, किसी को PPO मिला था तो उसका PPO कैंसिल हो गया, उसकी इंटर्नशिप कैंसिल हो गई। बट ऐसा हो ही क्यों रहा है? देखो पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो आपको भी पता है, US मार्केट बहुत ज़्यादा इफ इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल मार्केट पे, जो डॉलर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, और सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ वैल्यूएबल करेंसी है। और जो US में है, इन्फ्लेशन 40 ईयर्स का सबसे पीक पे चल रहा है इन्फ्लेशन, तो इस बढ़ती इन्फ्लेशन रेट के चलते US जो फेडरल बैंक है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो विजन है उनका वो इसलिए है ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, बट इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चक्कर में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है पूरे US में, और उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा जो भी बड़े बड़े मार्केट्स है, जैसे कि इंडिया या फिर UK या और भी जगह पर। इन्फ्लेशन के चलते US फेडरल बैंक ने जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, तो अब इसका कंपनीज़ को कैसे इम्पैक्ट होते हैं, कंपनीज जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी बोरो करते हैं, फंड्स बोरो करते हैं, तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, या फिर वो कुछ खरीदते भी हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू उन्हें देनी पड़ती है। जब करेंसी की वैल्यू एक्चुअली गिर जाती है, मतलब सेम अमाउंट में आप कम क्वान्टिटी खरीद पाते हो, उसी सिचुएशन को काइंड ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यार क्या हुआ ना, 6 या 9 महीने पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से हायरिंग हो रही थी, बहुत हायरिंग हो रही थी, कोविड भी चल रहा था, और जैसे कि कुछ कंपनीज है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, जूम हो गया, ये बहुत ज़्यादा बूम पे थे, इनने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया ना इस कोविड के दौरान, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे या फिर टाइम पास के लिए नेटफ्लिक्स देखा करते थे, तो इन कंपनी ने बहुत ग्रो किया, और उस टाइम पे इन्हें हायरिंग बहुत ज़्यादा करी और ओवर हायरिंग कर ली। अब ऐसा टाइम आ गया है कि इनके पास फंड्स नहीं है अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, तो ये ले ऑफ्स कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए फायरिंग भी हो रही है, हायरिंग फ्रीज हो रही है, ताकि वो फंड्स ऑपरेट करने के लिए फंड्स जमा कर सके। ऐसा ही बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक बायजूस के साथ भी हो रहा है। अब कोविड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सब कुछ फिजिकल अब न्यू नॉर्मल में आ गए हैं, सब लोग फिजिकली मीट करने लग गए हैं, क्लासेस चलने लग गई हैं, ऑनलाइन ख़त्म होने जा रहा है सब कुछ, जो अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, और भी एडटेक स्टार्टअप हो गए, वेदांतु हो गया, उन्होंने जितना ग्रो किया था अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर वो अब डिक्रीज होने लग गया है। जूम मीटिंग्स की जगह अब फिज़िकल मीटिंग ज़्यादा होती हैं, नेटफ्लिक्स पे कंज्यूम करने की जगह लोग थिएटर में जाके ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, और यही रीज़न है यार कि वो कॉस्ट कटिंग के लिए ले ऑफ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स अब ऑफलाइन सेंटर्स भी खोलने लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि ऑनलाइन ज़्यादा टाइम नहीं ही टिकना है।
जितना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन 2 साल कोविड में आया ना, वो एक्चुअली आगे 10 साल में भी नहीं आता। लेकिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा टेक डिपेंडेंसी हो गई थी हमारी, बट धीरे धीरे वो टेक डिपेंडेंसी कम हो रही है बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें वापस से नॉर्मल हो रही हैं। बिग टेक हो चाहे स्टार्टअप्स हो, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इन सभी से, क्योंकि यार सबको फंड्स की ज़रूरत होती है अपनी कंपनी ऑपरेट करने के लिए। अब कोविड में तो यूज़र्स गेन कर लिए थे, अब यूज़र्स कम हो गए तो उनके सब्सक्राइबर्स कम हो गए, पैसा आना कम हो गया तो रेवेन्यू जनरेट कम होना हो गया, और वह ऑपरेट नहीं कर पा रहे अपने करंट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ। इसलिए ले ऑफ, हायरिंग फ्रीज, स्लो डाउन जैसे वर्ड आप आए दिन सुन रहे हैं लिंक्डइन, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन सिंस हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम लीस्ट अफेक्टेड मैं बोलूंगा इस दौरान, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिक्रूटर्स हो गए, ऑपरेशंस वाली टीम हो गई, मार्केटिंग, सेल्स, इन वाली डोमेन्स के जो लोग होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हो गए, जो मैंने ऑब्जर्व किया, इट्स ऑल माय व्यूज, इनका जो नंबर है वो पहले आता है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेकी पर्सन यू नो डोमेन से, टेक डोमेन से बिलोंग करते हैं, उनका नंबर बाद में आता है। कंपनीज रिटेन करने की कोशिश करती हैं डेवलपर एफर्ट को। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप एक बहुत बेटर पोजीशन पे इस करंट सिचुएशन में। और अगर कोई बात नहीं है, आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि धड़ल्ले से हायर कर रही हैं, चाहे वो सीनियर रोल्स हो, मल्टीपल लेवल्स पे हायर कर रही हैं, फ्रेशर तक हायर कर रही हैं। मैं आपको एक एक करके कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर भी करता रहता हूँ उन कंपनीज के बारे में। इंटरनेशनल से लेकर इंडियन लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है, जैसे कि अगोडा हो गया। अगोडा इज़ अ ट्रैवल यू नो ट्रैवल बुकिंग कंपनी जो कि बुकिंग होल्डिंग्स ग्रुप का ही एक पार्ट है। अगोडा बहुत हायरिंग कर रही है फॉर देयर लंडन लोकेशन, इंडियन लोकेशन एंड फॉर देयर बैंकॉक लोकेशन। क्रेड बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है क्रेड के अंदर, क्रेड में फ्रेशर लेवल के लिए भी हायरिंग हो रही है। न्यूटनिक्स में बहुत हायरिंग हो रही है, इंट्यूट में हायरिंग हो रही है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डायरेक्टली रीच आउट करो, उनसे पूछो आपके यहाँ कंपनी में ओपनिंग है क्या। साथ ही साथ बाइट डांस, JPMC, इनकी इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए भी हायरिंग चल रही है। बाइट डांस में जो इनका US लोकेशन हो गया या फिर जो चाइनीज़ लोकेशंस हो गई इनकी, वो सारी जगह हायरिंग चल रही है। JPMC में लंडन, ग्लासगो लोकेशंस के लिए भी हायरिंग चल रही है फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट। साथ ही साथ ऊबर में भी हायरिंग चल रही है। अब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रीच आउट्स आ रहे हैं इस दौरान एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रेशर रोल्स के लिए। तो आप लोग खुद जाके रीच आउट करो लोगों को, और इन कंपनीज के जिनके मैंने नाम बताया उन सब में जाके अप्लाई करो, रेफरल के साथ करो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यार 2023 में इम्पैक्ट कैसे होगा, क्या करना चाहिए, हायरिंग होगी कि नहीं होगी, ले ऑफ कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, US गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, इंटरेस्ट रेट हाई करें फेडरल बैंक ने, उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो यही है कि फ्यूचर में कोई रिसेशन जैसी सिचुएशन ना बने, इतना इन्फ्लेशन हाई ना हो, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए यार 7% का इन्फ्लेशन बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में इट्स नियर अबाउट नॉर्मल, बट एक डेवलप्ड यू नो रीजन में ऐसा होना बहुत अबनॉर्मल है। तो यार हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में फर्स्ट क्वार्टर के बाद या फिर हाफ यू नो सेमेस्टर के बाद सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होने लगेगी, बट हो सकता है कि ग्लोबल रिसेशन भी आ जाए। यार कोई कुछ नहीं कह सकते, कोई 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हाफ ऑफ 2023 में सिचुएशन फिर से ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आप इंटर्न कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप जॉब अब या इंटर्नशिप देख रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो यार अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप स्विच करने की तो ना ही सोचें। यार आप अब नई जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्टअप्स में तो ना ही जाएं, बिकॉज जो भी स्टार्टअप्स हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है उसमें जाना अभी बहुत अच्छा बेट रहेगा। लेकिन ऐसे स्टार्टअप जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट की मनी पे चलते हैं या फिर यू नो उनकी फंडिंग पे चलते हैं वो, या फिर जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप जिन्हें बोलते हैं, उनमें जाना अभी बहुत रिस्की होगा यार, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लेऑफ्स हो ही रहे हैं लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स के अंदर। क्या होता है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट ने अभी सिंस रिसेशन आने वाला है या ग्लोबल रिसेशन आ चुका है, उसकी वजह से फंडिंग देना बहुत कम कर दिया। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। तो अभी लॉस मेकिंग स्टार्टअप जो कि बर्न करते हैं मनी को, वहाँ जाना बहुत रिस्की है। बट ऐसे स्टार्टअप्स जहाँ जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, इट्स ज़ीरोधा हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कौन कौन से स्टार्टअप में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहले से जॉब, आपके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन आपके पास ऑफर है स्टार्टअप का, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाइए यार, बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है।
और ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक और एडवाइस कि कोशिश करो कि आप अपने आसपास के पीयर से बेटर परफॉर्म करो, आप 100% की जगह 200% परफॉर्मेंस दो, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ यार, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएं निकालने के। देखो डराने वाली बात नहीं है यार, ये जेन्युइन बात है कि अगर नंबर आए आपका निकालने का तो आपका सबसे लास्ट में आए, तो अपने आप की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, अपने पीयर से बेटर परफॉर्म करो, 200% दो अपने काम को। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप एक मेंटर ढूंढो इस समय पे यार, आपका मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी बहुत घबराए हुए हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उनकी इंटर्न लगेगी नहीं लगेगी, या फिर जो फाइनल ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, वो भी परेशान है कि प्रिपरेशन हुई नहीं है, इतने से महीने बचे हैं, हायरिंग चल नहीं रही है, तो कैसे हम लोग यू नो प्रिपेयर करें या फिर कैसे मोटिवेशन लाएँ। तो यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है प्रीप्लेस, जो कि वन ऑन वन आपको अलाउ करता है अमेजिंग मेंटर से इंटरेक्ट करने का, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि एक घंटे का सेशन करके काम ख़त्म करते हैं, वो आपको महीने भर तक या फिर जब तक आपकी इंटरव्यू प्रेप अच्छे से करवाते हैं, आपको रेफरल्स दिलाते हैं कंपनीज़ में ताकि आप, और प्रिपेयर करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं आपको आपके साथ, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें, इंटरव्यूज़ अच्छे से क्रैक कर सकें। प्री प्लेस के जो एलुमिनीज़ हैं, पहले भी मेरे से बहुत से बच्चे इंटरेक्ट कर चुके हैं जिन्होंने प्री प्लेस का सेशन लिया, और उनका जो फीडबैक था बहुत ही अच्छा था। तो मैं आप लोग को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप सेशन ले सकते हैं और ऑफ मिल जाएगा आपको मेरा डिस्काउंट कूपन यूज़ करके यार। तो उसको लें, उसको ट्राई करें, आप अगर आपको अच्छा लगता है, और तीन स्टूडेंट्स को मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगा, तो आप कमेंट कर देना, तीन रैंडम स्टूडेंट्स को फ्री में सेशन दिलाऊँगा, आपकी मर्ज़ी का एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का, आपको वहाँ से वन ऑन वन सेशन मिलेगा, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, वो आपको प्रॉपर रोड मैप बताएंगे कैसे इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और कैसे अपनी मनपसंद जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है। और अप स्किलिंग तो इस मोमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके पास स्किल है ना, वो कोई ना कोई जॉब ज़रूर ढूंढ लेगा, चाहे कितने रिसेशन आ जाए, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो जाए। और आप में से कुछ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि नए नए रोल्स देख रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मैं ये कहूँगा आप लोग से कि आप ऐसे रोल्स को देखिए जिनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज़्यादा हो, और जिनकी रिलायबिलिटी, जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो कंपनी के अंदर। तो यार इन जनरल आपके स्टूडेंट है, तो आप ऐसे ही रोल्स को, टेक्निकल रोल्स को एम करने की कोशिश करिए, कंपनी आप पे रिलाय ज़्यादा करे, ताकि आपको निकालने के चांसेस मिनिमम हो जाए यार। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो यार फालतू की चीज़ों पर ध्यान कम दो, पॉजिटिव कॉन्टेंट कंज्यूम करो, फालतू की हेट में मत घुसो। मैं लिंक्डइन पर आए दिन देखता हूँ लोग फालतू में DSA पढ़ने के बजाय DSA के जो क्रिएटर्स हैं उनकी, उनके डिस्कशन में, उनकी वॉर में जुड़ जाते हैं और उसको फ्यूल करने लगते हैं। तो उन चीज़ों में मत घुसो, अपनी अपस्किलिंग पे ध्यान दो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो। और यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो घबराएं ना, बिग टेक कंपनीज अगर हायर नहीं करती, सबका सपना होता है कि वो बिग टेक कंपनीज में काम कर सके, बट अभी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ले ऑफ कर रही हैं और हायरिंग फ्रीज कर चुकी हैं, तो उससे घबराएं ना यार, थोड़ा वेट करें। और अगर आपको अपने अपस्किलिंग करनी है, इंटर्न करिए स्टार्टअप्स में, पेड हो अनपेड हो, अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर जाइए। एंजल लिस्ट, जो कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, वाई कॉम्बिनेटर की जो वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़। यही कुछ पैतरे आपको आजमाने पड़ेंगे यार। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछो, मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट करो, टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, और लिंक चेकआउट करना मत भूलना प्री प्लेस का, जहाँ पे आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिल सकती है, और टॉप 3 कमेंट्स को मैं फ्री में दूंगा वो सेशन, तो कमेंट करना भी मत भूलना। लाइक टारगेट इज 1500 लाइक्स, फिर से बता रहा हूँ। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो, तब तक ले बाय, टेक केयर।